ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। वक्त हो चला है ब्रेकिंग बैक टू बैक और इस वक्त की बड़ी खबर, लखनऊ नगर निगम में डीजल की लूट, सफाई और मार्ग प्रकाश विभाग में लूट, विभागों में निजी कंपनियों की गाड़ियां लगी, प्राइवेट गाड़ियां होने के बावजूद खर्च बढ़ा, 310 करोड़ से बढ़कर 5 करोड़ होगा हो गया खर्च, कचरा प्रबंधक योजना के तहत की गई कार्रवाई। तो बड़ी खबर हम आपको लखनऊ नगर निगम में डीजल की लूट का खुलासा हुआ है, सफाई और मार्ग प्रकाश विभाग में इस बड़ी लूट का खुलासा हुआ है, विभागों में निजी कंपनियों की गाड़ियां लगाई गई हैं, प्राइवेट गाड़ियां होने के बावजूद खर्च बढ़ा दिया गया है, 3 करोड़ से बढ़ाकर इसे 5 करोड़ खर्च किया गया, कचरा प्रबंधक योजना के तहत कार्रवाई की गई है। अगली बड़ी खबर प्रतापगढ़ से सामने आ रही है, सांसद प्रतिनिधि अभिषेक पांडे पर केस दर्ज, बवाल सरकारी कामकाज में बाधा डालने पर केस, कई भाजपाइयों पर दर्ज हुआ मुकदमा, अपर जिला उप जिलाधिकारी की तहरीर पर दर्ज हुआ मामला, आरक्षी उपेंद्र यादव ने भी लिखवाया मुकदमा। तो प्रतापगढ़ से बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, सांसद प्रतिनिधि अभिषेक पांडे पर केस दर्ज किया गया है, बवाल सरकारी कामकाज में बाधा डालने के चलते उन पर केस दर्ज किया गया है, कई भाजपाइयों पर ही मुकदमा दर्ज हुआ है, अपर उप जिलाधिकारी की तहरीर पर ये FIR दर्ज की गई है। वहीं अगली बड़ी खबर बनाई सामने आ रही है, हाईवे पर बड़ा सड़क हादसा, विधायक की गाड़ी को पीछे से कंटेनर ने रौंदा, घटना में गाड़ी हुई क्षतिग्रस्त, विधायक को लगी चोटें, बिनावर के पास का यह हादसा है, तस्वीरें भी आप देख सकते हैं कि कितना भयानक हादसा हुआ है, ये विधायक की गाड़ी को एक कंटेनर ने पीछे से टक्कर मारी, जहां पर यह हादसा हुआ है इसमें गाड़ी बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई है, वहीं विधायक को भी कई चोटें आई हैं। बिनावर के पास का ये हादसा। वहीं अगली बड़ी खबर, 79,000 सहायक शिक्षक भर्ती के मामले में लखनऊ में बड़ा प्रदर्शन, ओबीसी और एससी वर्ग के अभ्यर्थियों ने किया घेराव, बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी के आवास पर घेराव किया गया, 69,000 शिक्षक भर्ती मामले में डालीगंज स्थित आवास के बाहर शिक्षकों ने घेराव किया, बता दिए राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक 5844 पदों पर घोटाला सामने आया था, जिसको लेकर लगातार ओबीसी और एससी वर्ग के शिक्षक नाराज थे, उसी को लेकर 69,000 शिक्षक भर्ती में से शिक्षकों ने आज बेसिक शिक्षा मंत्री के घर के बाहर घेराव किया और प्रदर्शन किया, उनकी मांग है कि जल्द भर्ती पूरी की जाए और जो आरक्षण में घोटाला किया गया है उसको जल्द खत्म किया जाए, कार्रवाई की जाए। वहीं अगली बड़ी खबर और यह सामने आ रही है, आईजी मोहित अग्रवाल को मिली धमकी, सोशल मीडिया के जरिए मिली जान से मारने की धमकी, धमकी के बाद पुलिस की टीम हुई एक्टिव, एसओजी टीम ने आरोपी को किया गिरफ्तार, अचलदा क्षेत्र का रहने वाला बताया जा रहा है आरोपी। तो आईजी मोहित अग्रवाल को धमकी मिली है, सोशल मीडिया के जरिए धमकी दी गई है। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही, फिर हाजिर होंगे, स्वस्थ रहिए, सतर्क रहिए और देखते रहिए प्राइम टीवी।